नमस्कार, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सेल्फिश लोगों के बारे में, स्वार्थी लोगों के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। वैसे तो हर आदमी के पास कुछ थोड़ा सा सेल्फ लव या सेल्फ वैल्यू या सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी चीजें होनी चाहिए, अपना आत्म प्रेम होना चाहिए। परंतु कई बार कई व्यक्तियों को हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि उनमें ये वैल्यूज बढ़कर कुछ ज्यादा ही हो गई हैं और वो सारा दिन अपने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहते हैं अपने ही थॉट्स के बारे में, और अपने ही थॉट्स के बारे में वो आपसे हमेशा बातें करते हैं। जब ये वैल्यूज इतनी बढ़ जाती हैं कि दूसरों के लिए इन्हें सहन करना मुश्किल हो जाए, तो हम इन्हें स्वार्थी कहते हैं या सेल्फिश कहते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड कहते हैं। ऐसे लोगों से निपट पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो आपके चारों तरफ बिखरे हुए हैं। कोई एकाध नहीं होता, जहां जाओ वहां वही किस्म के लोग मिलते हैं, हमेशा अपनी ही बातें करते हैं, अपने ही बारे में बातें करते हैं। तो उन लोगों से जब निपटना पड़े तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। सबसे पहला टिप है, अवॉइड देम इफ पॉसिबल। उन लोगों को दरकिनार कीजिए, अनदेखा कीजिए, और अगर जहां तक संभव हो कभी उन लोगों के कांटेक्ट में नहीं आइए। लेकिन दुनिया है, इसमें जीवन में अनेक लोग मिलते हैं, स्वार्थी लोग भी मिलते हैं, और जब ऐसे लोग मिल जाएं तब हमें क्या करना चाहिए। अगर उन्हें अवॉइड करके काम नहीं चले तब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि इन लोगों को दूसरों की फीलिंग्स के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इन लोगों में दूसरों की फीलिंग्स के बारे में कुछ भी आदर नहीं होता है, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते हैं। और इससे आपको पता लग जाता है, अगर वो आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं जान रहे हैं, कि वे स्वार्थी हैं। तो कोशिश करें उन लोगों से बच के रहें और उन्हें ना मिलें। लेकिन अगर मिलना ही पड़े और आगे कुछ करना ही पड़े तो उसके लिए कुछ अन्य टिप्स भी हैं। जैसे टिप नंबर दो है कि उन लोगों का मुंह बंद कर दीजिए, उन्हें बहुत अलाउ ना कीजिए कि वो आपको परेशान करें। दीज पीपल आर बेसिकली इमोशनल पायलट्स। वो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, जब देखो आपके ऊपर अपने आप को थोपने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। वो आपकी अटेंशन चाहते हैं, हर वक्त उनके बारे में बातें की जाए तो वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। ऐसे में अगर आप कोई तरीका निकाल सकें कि उन्हें उनकी अटेंशन ना दी जाए, आपकी जो अटेंशन है उन्हें ना दी जाए, तो उनके लिए टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वो लगातार बात किए चले जा रहे हैं अपने बारे में, और आप बजाय उनकी बातों को हां करने की या नकारने की, जो कि एक अटेंशन है, आप उनकी बातों को स्वीकारें नहीं, नकारें नहीं, बस सिर्फ इतने कह रहे हैं हाँ जिंदगी है, सब चलता है, इट इज लाइफ एंड एवरीथिंग हैपेंस हियर। तो ऐसा करने से उन लोगों को वो अटेंशन नहीं मिल पाएगी जिसके कारण वो आपके पास बैठे थे और लगातार आपका सिर खा रहे थे। ऐसा भी संभव है कि इन लोगों की सोबत में रहते रहते आपको भी लगने लगे कि क्यों नहीं आप भी इन्हीं जैसे स्वार्थी हो जाएं। तो उसके लिए मेरा टिप नंबर तीन है, और टिप नंबर तीन ये है कि कभी भी उनकी छाप अपने ऊपर ना पड़ने दें। यू शुड स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज, टू योर पर्सनैलिटी। डोंट बी an imitated copy of these selfish people, because if you also become a selfish person, then what would be the difference between you and them? आपको अच्छे बने रहना है, इसके लिए कभी भी अपने ऊपर उनकी छाप ना पड़ने दी जाए, कभी उनके उस निचले स्तर तक ना गिरा जाए। हमेशा अपने मूल्यों को, अपने सिद्धांतों को, अपनी वैल्यूज को ऊंचा बनाकर रखा जाए, जिसमें आप दूसरों से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं। जब भी आवश्यकता हो, चौथा टिप दे रहा हूं, जब भी आवश्यकता हो स्वार्थी लोगों को बताया जाए कि वो दुनिया के केंद्र नहीं है, दुनिया उनके चारों तरफ नहीं घूमती है। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि उन्हें ऐसा ना लगे कि आप उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, यू आर अटैकिंग देम। बी पोलाइट बट मेक इट क्लियर टू देम दैट दिस वर्ल्ड डज नॉट रिवॉल्व अराउंड देम, दे आर नॉट द सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की वो धुरी नहीं है। तो उन्हें ये बताया जाना चाहिए, यदि वो अपने बारे में ढेर सारी बातें कर रहे हैं तो आप किसी ऐसे बड़े और इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बारे में उन्हें बता सकते हैं कि देखिए वो तो आपसे भी अधिक है और आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं। पांचवा टिप है कि उन्हें उस अटेंशन को ना दिया जाए जिसकी कि उनको भूख है। अगर आप उन्हें उनकी अटेंशन के बारे में सिर्फ सोचते रहने देंगे और वो अटेंशन जो उनको चाहिए वो नहीं देंगे,
तो अटेंशन उनके लिए खाद जैसा है, उनके लिए पानी जैसा है। अगर आप उन्हें अटेंशन देंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं और वो आपको ज्यादा से ज्यादा बोर करेंगे, वो आपको ज्यादा से ज्यादा पकाएंगे, सर खाएंगे। तो ऐसे में ये मुनासिब है कि उन व्यक्तियों को उनके बारे में अटेंशन ना दी जाए, उनकी बातों को अनदेखा किया जाए, अनसुना किया जाए। ये उनके बारे में पांचवा टिप है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बावजूद भी वो लगे रहें, ऐसे में आपको उनके लिए एक छठे टिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और छठा टिप है कि हमेशा अपने टॉपिक्स को सामने रखें। वो कई बार क्या करते हैं आपसे कि बहुत सारी बातें अपने ही बारे में या अपने ही विषयों के बारे में करते चले जाते हैं, अपनी धन संपत्ति के बारे में करते चले जाते हैं या अपनी विशेषताओं के बारे में करते चले जाते हैं, और आपको लगता है कि क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं तो या तो उन्हें हाँ करें या ना करें, और दोनों ही स्थितियों में उनकी जीत होती है। तो ऐसे में आपके लिए मुनासिब है कि आप उस टॉपिक को बदल दें, और विषय को बदलने के बाद ऐसा कोई टॉपिक, आपकी कुकरी हो सकती है, आपकी गार्डनिंग हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकती है, हेल्थ टिप्स हो सकती हैं, कुछ भी रहे, लेकिन वो करें आप जो टॉपिक आपको पसंद है। और जैसे ही टॉपिक बदलेगा, उन लोगों के लिए उस टॉपिक पर टिके रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आपका दिया टॉपिक है और वो जल्दी से आपको छोड़कर चले जाएंगे। सातवां टिप, उनके प्रति उदार मत बनिए। डोंट डू फेवर्स फॉर देम। ऐसे लोग जो स्वार्थी होते हैं, हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगेंगे, आपसे कुछ ना कुछ आशा करेंगे। दे ऑलवेज सीक फेवर्स फ्रॉम यू, एंड इफ यू स्टॉप डूइंग फेवर्स टू देम, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टे देयर विद यू इन योर विसिनिटी, एंड दैट विल बी ए पॉजिटिव अचीवमेंट बाय यू। सो व्हेन ए सेल्फिश पर्सन आस्क यू टू डू सम फेवर फॉर हिम, then you should tell him in plain and simple words that if he continues with the same selfish behavior, then it would be difficult for you to do any favor, because they should be taught clearly and unambiguously। बिल्कुल साफ साफ उन्हें बता दीजिए, भाई छोड़ो इस बात को, नहीं हम सहन नहीं कर सकते। आठवां टिप, जो वक्त आप उन लोगों के साथ गुजारते हैं उसे लिमिट करें, उसे थोड़ा सा कम करें। जिंदगी में उन लोगों से मिलना जरूरी है, क्योंकि दुनिया उनसे भरी हुई है, उनके बिना आप नहीं रह सकते, क्योंकि जहां जिस मोड़ पे जिंदगी में आप जाएंगे वो लोग वहां बैठे मिलेंगे। तो ऐसे में यही मुनासिब है कि जब वो मिलें तो मिलके अपना काम निपटाएं, और निपटाते ही उनसे राम राम कहें, उन्हें बाय करें, क्योंकि अगर आप उनके साथ समय गुजारेंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा आपको परेशान करने का मौका मिलेगा। तो आठवां टिप है कि स्वार्थी लोगों के साथ हमेशा कम से कम समय इस्तेमाल करें। नौवा टिप है, आप प्रयास करें कि आपको अच्छे दोस्त मिले, अच्छे फ्रेंड्स मिले, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स मिलना स्वार्थी लोगों के असर को कम करता है, और जब स्वार्थी लोगों को पता लगता है कि इन्होंने आपको छोड़कर अच्छे लोगों को अपना मित्र बना लिया है, तो ये स्वार्थी लोगों के लिए एक प्रकार का डिस्करेजमेंट होता है, उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। तो ऐसे में आपके लिए हमेशा मुनासिब है कि आप बुरे लोगों की संगत छोड़कर, आप स्वार्थी लोगों की संगत छोड़कर अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाएं। इससे जहां एक तरफ स्वार्थी लोगों के साथ आपका उठना बैठना कम होगा, वहीं स्वार्थी लोगों को ये जानने में आसानी होगी कि आपने उन्हें उनके स्वार्थ के लिए छोड़ दिया है, और वो अपने स्वार्थीपन को बदलने की कोशिश करेंगे। और अब अंतिम टिप, अगर इतना सब करने के बाद भी वो लोग नहीं मानते हैं और अपनी स्वार्थपरता की बातें करते रहते हैं, देन यू एंड द रिलेशनशिप, बिकॉज दीज पीपल आर एनर्जी सकर्स। वो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, आपके उत्साह को मारते हैं। वो क्योंकि हमेशा अपने बारे में बातें करते रहते हैं, तो इसलिए आप उनके साथ बैठकर कभी भी उत्साह अनुभव नहीं करेंगे। उनके साथ बैठकर हमेशा आपको लगेगा जैसे आपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया हो। तो ऐसे में जो व्यक्ति आपकी ऊर्जा को कम करते हैं, जो व्यक्ति आपकी स्थिति को खराब करते हैं, जो व्यक्ति आपके मूड को खराब करते हैं, बेहतर है कि आप उन लोगों के साथ अपने संबंध को तत्काल समाप्त कर दें।
एंड योर रिलेशनशिप विद देम। ये 10 टिप आज हमने देखी, पढ़े जाने। इन 10 टिप्स की सहायता से आप किन्हीं भी स्वार्थी लोगों को बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।